हाँ जी दोस्तों, तो इन्फिनिक्स की तरफ से यहाँ पर मैं इन्फिनिक्स 020 दिसंबर को जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में, उसके साथ साथ आज जो है हम लोग बात करेंगे इस फोन के अंदर आप लोग क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, ओवरऑल ये फोन जो है कैसा रहने वाला है, क्या आप लोगों इसको परचेज करना चाहिए या फिर आप लोगों के पास इससे अच्छा क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है। बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फोन की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर ग्लास फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ साइड में आप लोगों को एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने के लिए मिल जाती है। फोन की अगर वेट की बात करो तो 96 ग्राम जो इस फोन का वेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और डुअल सिम जो है ये फोन जो है सपोर्ट करता है। उसकी तरफ से अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है और 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब कि आप लोगों को डिस्प्ले जो है काफी स्मूथ देखने के लिए मिल रहा है, उसकी तरफ से एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर आप लोग काफी तगड़ी देखने के लिए मिल रही है। स्क्रीन साइज की बात करो तो 6.7 इंच का यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, 86% यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करूँ यहाँ पर मैं प्रोसेसर की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला MT8781 हीलियो G99 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब कि काफी अच्छा फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। अगर आप लोग जो हैवी गेमर है या फिर अगर आप लोग कोई भी अगर हैवी टास्किंग करनी है तो वो चीज़ें आप लोग जो आराम से कर पाएंगे। आप लोग को हैंग होने की शिकायत या फिर लैग होने की शिकायत बिल्कुल भी इस फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओवरऑल ये फोन परफॉर्मेंस वाइज काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर बात कर लें यहाँ पर मैं इस फोन के कैमरे की, जो कि इस फोन का जो हाईलाइटेड फीचर है, तो आप लोग इस फोन के अंदर पीछे की साइड में 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है वो आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में आप लोगों को एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है और आप लोगों को एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा इस फोन के बैक कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करूं यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बैक कैमरा है तो आप लोग जो 2.7 की वीडियो एट 30 FPS जो शूट कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट में आप लोगों को सिंगल 60 मेगापिक्सल का जो कैमरा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि OIS के साथ आने वाला है, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। ये दोस्तों जो फोन है ये थोड़ा सा ब्लॉगिंग सेंट्रिक फोन है। अगर आप लोग जो ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं तब आप लोगों के लिए ये फोन जो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल रहा है OIS के साथ में। अगर बात करें यहाँ पर मैं रैम एंड स्टोरेज की तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। आप लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क ये फोन जो है आराम से संभाल लेगा। अब बात कर लें फटाफट से नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की, तो जी हाँ दोस्तों, जो 5G फोन होने वाला है ये, उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को 4G 3G 2G सारे बैंड इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल एक फ्यूचर प्रूफ फोन है, फ्यूचर में भी यहाँ पर आप लोगों को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फटाफट से बात कर लें यहाँ पर मैं सेंसर की, तो सारे सेंसर यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सेंसर हो गया, जायरोस्कोप का सेंसर हो गया, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है तो यहाँ पर बात कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर फिंगरप्रिंट का सेंसर आप लोगों को साइड माउंटेड इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब दोस्तों जो पावर वाले बटन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का सेंसर आता है वो वाला सेंसर आप लोगों को इस फोन में देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात कर लें यहाँ पर बैटरी, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 4500 mAh की लिथियम एम्पावर्ड नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ साथ 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन जो सपोर्ट करता है। इसका मतलब कि 75% आप लोगों का फोन जो 30 मिनट के अंदर जो फुल चार्ज हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं ज्यादा देर यहाँ पर आप लोगों को चार्ज नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों को पूरा दिन ये फोन जो है आराम से निकाल देगा। अगर बात कर लें यहाँ पर मैं इस फोन की प्राइस की, तो ये फोन आप लोगों को 20,390 रुपये का देखने के लिए मिलेगा फ्लिपकार्ट पर 20 दिसंबर को। दोस्तों बस इसी कहानी थी इन्फिनिक्स 020 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से लेकर अगर कोई भी अगर सवाल हो नीचे जो है कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे जाता हूँ, इजाज़त, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।